गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास फाइव, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड हेल्दी। सो स्टूडेंट, टेक आउट योर बुक, ओपन पेज नंबर 93। बिफोर स्टार्टिंग द टुडे टॉपिक, लेट डू रिकैप्चुलेशन व्हाट वी डन इन आवर प्रीवियस वीडियो। एंड टुडे डेट इज 7/9/2020। आई एम टीचिंग यू चैप्टर नंबर 15, द कोस्टल प्लेन्स एंड आईलैंड। ओके, सो स्टूडेंट, लेट रिवाइज द थिंग्स व्हाट वी आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। ओके, सो इन द प्रीवियस वीडियो व्हाट वी आर डूइंग, इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। सो वेयर आर द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स? तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर बिटवीन ईस्टर्न साइड, इट मीन्स दैट दिस साइड विच ओशन इज, विच सी इज दिस साइड, दैट इज बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, एंड इन द वेस्ट अरेबियन सी एंड द साउथ इंडियन ओशन। सो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, सो इट लाई बिटवीन द बे ऑफ बंगाल एंड वट ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स क्या है? दैट पार्ट विच हैज कंटिन्यूस रेंज ऑफ द माउंटेन्स, पूरे माउंटेन रेंज है ये कंटिन्यूस, जैसे वेस्टर्न घाट्स में माउंटेन रेंज थी कंटिन्यूस, इसी तरह ईस्टर्न घाट्स में भी है। सो इवन आस्क यू वेयर इज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये प्लेन्स कहाँ है? तो ये प्लेन्स किसके बीच में है बेटा? बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट्स, बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई बिटवीन द बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट्स। सो दिस इज अ वन वर्ड क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू इन द एग्जाम, कि वेयर आर द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन स्टूडेंट? तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन दे लाई बिटवीन द बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, ये ईस्ट में है इसलिए इसका नाम ईस्टर्न घाट्स हो गया, इसी तरह ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो गया, और जो वेस्ट में है दैट इज द वेस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। सो वेयर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई, दे लाई बिटवीन द बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट्स। ओके, दे एंड दे स्टार्ट फ्रॉम द गंगा डेल्टा, दैट इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एंड इन कन्याकुमारी। सो देखो, कन्याकुमारी इज द प्लेस वेयर द टू कोस्टल प्लेन्स, दैट इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात कर लो या ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, दे मीट ईच अदर, ठीक है, एंड इट स्टार्ट फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल, वेस्ट ईस्टर्न कोर्स गुजरात से होते हुए कन्याकुमारी आए, और ये भी कन्याकुमारी आए वेस्ट बंगाल से। सो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वेयर दे आर मीटिंग एट द प्लेस that is known as Kanyakumari, and this place is also known as where the three water body meets, that is from the west Arabian and from the east Bay of Bengal and from the south if you talk that is the Indian Ocean, that is the Indian Ocean. Now after that I discuss with you the major southern rivers, Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. All these rivers forms the deltas. All these rivers form the delta. That is the reason, student. And deltas are not form in western coastal plains. ठीक है, उधर नहीं थे, यहाँ deltas form हो रहे हैं। ये जो आपकी rivers है, that is महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, all these rivers are forming delta. Delta word मैंने आपको clear किया था। When the river water enter in the sea, so at the mouth of the river
हम माउथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां जैसे लगता है रिवर अपने माउथ से सारा जो सिल्ट और सेडिमेंट्स रॉक पार्टिकल ये सब क्या है वहां पे वो डिपॉजिट करने लगती है। तो जैसे लगता है कि ऑल द थिंग्स आर द रिवर हैज ओपन द माउथ एंड ऑल थिंग्स आर कमिंग आउट फ्रॉम द माउथ ऑफ द रिवर। सो दे फॉर्म द डेल्टास एंड दीज डेल्टास आर वेरी फर्टाइल ओके एंड द रिवर वाटर इंटर इन द सी नॉट डायरेक्टली। रिवर वाटर सी में डायरेक्टली फोर्स से इंटर नहीं करता। इट फॉर्म मेनी स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस इन दिस मैनर द रिवर वाटर इंटर्स द सी वाटर। सो दीज एरिया व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ईस्टर्न घाट, और इसीलिए मैंने आप लोग को ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या बोला था, दे आर वाइडर देन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, क्योंकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में क्या रिवर्स डेल्टास भी फॉर्म कर रही है, इसलिए ये ज्यादा चौड़े हैं एज कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इज इट क्लियर? एंड ड्यू टू दिस द एरिया इज अ वेरी गुड फॉर दिस एरिया इज ऑल्सो नोन एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया। एंड वट वर्ड वन वर्ड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड विद यू इन द एग्जामिनेशन दैट इट हैज टू इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। जो दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में दैट इज चेन्नई एंड विशाखापट्टनम, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, मतलब सी पोर्ट्स, जहां पे सी क्या हार्बर होगा, जहां पे सी रुकती हैं और उसके आसपास का एरिया क्या बन जाता है, पोर्ट्स बन जाता है, ठीक है, जो शहर सा उसके अगल बगल बस जाता है जिसे हम लोग पोर्ट्स बोलते हैं। दैट इज हियर इट हैज टू इंपॉर्टेंट पोर्ट्स दैट इज चेन्नई एंड विशाखापट्टनम, ठीक। एंड कोस्ट लाइन व्हेन जब हमने वेस्टर्न की बात की थी देन इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री कोस्टल्स। ये किसने पार्ट्स में डिवाइड था, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, तो गुजरात कोस्ट थी, कोंकण कोस्ट थी और मालाबार कोस्ट थी, उस सबको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ईस्टर्न घाट स्टूडेंट देन इट हैज टू कोस्ट दैट इज नॉर्दर्न सरकार्स एंड कोरामंडल, ओके। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ईस्टर्न घाट इट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज नॉर्दर्न सरकार्स एंड सेकेंड पार्ट इज कोरामंडल। ठीक है, सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट, जिसे इन दो पार्ट्स में पढ़ा जाता है, ठीक है। वेस्ट वाले जो है ये वेस्ट से यहां तक आया, और ये आंध्रा वाला पार्ट तमिलनाडु वाला पार्ट वो तुम्हारा क्या, आंध्रा तमिलनाडु वाला पार्ट तुम्हारा कौन हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका कोरामंडल कोस्ट आ जाएगी, ठीक है। सो बोथ दीज कोस्ट मीट एट द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन पेंसुला कन्याकुमारी। ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी अभी बता दिया है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये जहां पे मिलते हैं That place is known as कन्याकुमारी। That place is known as कन्याकुमारी। ये already मैंने आपको बता दिया। This is the southernmost point on the Indian main line. This is also the place where the three water bodies around India meet. ठीक है, ये भी आपको मैंने already explain कर दिया कि दो ये जो पेंसुला जो है इंडिया का, ये पेंसुला पार्ट जो साउथ वाला पार्ट है इंडिया का, ठीक है, जिसमें एक तरफ वेस्ट में अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल एंड साउथ में इंडियन ओशन, सो वेयर दीज वाटर बॉडीज मीटिंग आर आल्सो द सेम प्लेस दैट इज द कन्याकुमारी। ठीक है, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स डिस्कस कर दिए, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आपको डिस्कस कर दिए। नाउ आईलैंड्स, ठीक है, अब आइलैंड के बारे में बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैंने इस चैप्टर के की वर्ड डिस्कस किए थे, अ पार्ट ऑफ ए लैंड, ओके, ए पीस और पार्ट ऑफ ए लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑल साइड। ये जो आपने पढ़ा इससे पहले ये क्या था, पेंसुला था, पेंसुलर पार्ट था, ठीक है, फ्रॉम थ्री साइड इट इज सराउंडेड बाय द वाटर, बट इफ ए पीस ऑफ ए लैंड और ए पार्ट ऑफ ए लैंड विच इज सराउंडेड ऑल साइड विद द वाटर दैट इज नोन एज आईलैंड, दैट इज नोन एज आईलैंड, ओके। सो नाउ स्टूडेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि वेयर यू आर फाइंडिंग दिस आइलैंड। ये आइलैंड्स एक तो आपके अरेबियन सी में बन रहे हैं और एक आइलैंड्स आपके किस में बन रहे हैं,
बे ऑफ बंगाल में बन रहे हैं, ठीक है, ए अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में बन रहे हैं। देखो ऑफ द कोस्ट डीप इनटू द सी, ठीक है, आर सम स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड, ऑफ द कोस्ट डीप इनटू द सी आर स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल फोर साइड, दीज आर कॉल्ड आइलैंड्स। ओके, और देयर आर टू ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इंडियन पेंसुला, ठीक है, दो ग्रुप, टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड हैं और दीज आर ऑन बोथ साइड ऑफ इंडिया पेंसुला, ठीक है, सेंटर में जो साउथ है वो इंडियन ओशन है, इधर वेस्ट में है और एक इधर क्या हो गया, ईस्ट में हो गया, तो दोनों तरफ ये आपके आइलैंड फॉर्म हो रहे हैं। ठीक, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल, ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बताया अंडमान और निकोबार आइलैंड ठीक है। सो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन वन वर्ड क्वेश्चन आल्सो आ सकता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड है और एक क्या लक्षद्वीप आइलैंड। सो वेयर इट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर सिचुएटेड, कहाँ पे है ये, दीज आर इन द बे ऑफ बंगाल, और आपका जो लक्षद्वीप है ये आपका किस में आ रहा है बेटा, अरेबियन सी में, बेटा ये किस में आ रहा है, अरेबियन सी में। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट देयर आर ग्रुप ऑफ अबाउट 300 आइलैंड्स हैं, ठीक है, 300 आइलैंड्स का ग्रुप है, ठीक है, देयर कैपिटल इज, ये क्वेश्चन हमेशा वन वर्ड में आता है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार, दैट इज पोर्ट ब्लेयर, प्लीज अंडरलाइन इट, इसे अंडरलाइन कर लो, एनी टीचर गिव द पेपर, किसी भी टीचर का पेपर आएगा, इन दो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन वन वर्ड क्वेश्चंस में जरूर आता है, या तो वो ये पूछेगा टीचर व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, और या तो ये पूछेगा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ए लक्षद्वीप आइलैंड, सो प्लीज अंडरलाइन इट, इसे क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो, इस पार्ट को भी अंडरलाइन करो, पेज नंबर 94 पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर सिचुएटेड इन बे ऑफ बंगाल, अंडरलाइन दिस पार्ट इन योर बुक, बुक में अंडरलाइन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे वन वर्ड क्वेश्चन आता ही आता है। और देयर व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार, द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार इज पोर्ट ब्लेयर, दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज आस्क इन द एग्जामिनेशन, सो प्लीज अंडरलाइन दिस पोर्शन आल्सो, इस पोर्शन को भी अंडरलाइन कर लो, ठीक है, दीज आइलैंड्स आर हिली एंड कवर्ड विद फॉरेस्ट, हियर हियर टू ओनली अ फ्यू ऑफ द आइलैंड्स आर इनविटेड मोस्टली बाई ट्राइबल ग्रुप्स, ओनली 38 आइलैंड्स आर इनविटेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, मीनिंग देखो आउट ऑफ 300 आइलैंड्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे पीसेज है लैंड के जो वाटर से सराउंडेड है, तो आउट ऑफ 300 है ओनली 38 आइलैंड्स आर इन्वेटेड, मतलब इसका मतलब ये ऐसे 38 आइलैंड है जहां पे ह्यूमन बींग्स रहते हैं, और भी कौन रहते हैं, ट्राइबल्स ग्रुप, आदिवासी लोग, ठीक है, ट्राइबल्स ग्रुप वो लोग इस आइलैंड पे रहते हैं, और बाकी आप माइनस कर लो 300 में से 38 माइनस कर लो, बाकी में कोई नहीं रहता है, ठीक है, दिस एरिया इज हिली एंड थिक फॉरेस्ट है यहाँ पे, ठीक है, और इसमें आउट ऑफ 300 ओनली 38 आइलैंड्स आर इन्वेटेड, इट मींस इन दिस आइलैंड लाइफ है, ठीक है, सो वो भी कौन रहते हैं, ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज द लक्षद्वीप, अंडरलाइन करो इसे बुक में, दे आर सिचुएटेड इन द अरेबियन सी टू द वेस्ट ऑफ ए केरला, इसे प्लीज अंडरलाइन कर लो, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वेयर इज लक्षद्वीप, तो दे आर सिचुएटेड इन द अरेबियन सी एंड विच साइड ऑफ ए केरला, टू द वेस्ट ऑफ द केरला, ठीक है, और दीज आइलैंड्स आर अबाउट 36 इन नंबर, देखो अंडमान निकोबार ज्यादा बड़ा है, वहां 300 आइलैंड्स है, ये कितने, सिर्फ 36 हैं, एंड कवरती
कवराती इज देयर कैपिटल है, किसकी? अंडमान निकोबार की। इसे प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए, इसे अंडरलाइन कर लीजिए, वन वर्ड में ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, ठीक। दीज आईलैंड विच आर जनरली फ्लैट आर वेल नोन फॉर द कोरल डिपॉजिट बट नॉट ऑल ऑफ देम आर इन्वेटेड, ओनली 11 आईलैंड आर इन्वेटेड। और इन ये कितने टोटल नंबर ऑफ आईलैंड यू फाइंड इन दिस एरिया, दैट इज 36, आउट ऑफ 36 ओनली हाउ मच ऑफ इन लाइफ कहाँ पे, ओनली 11, मतलब 11 ही ऐसे आईलैंड है जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रहते हैं, ठीक है। सो अब आइलैंड्स भी डिस्कस कर लिया तुम लोग का, लक्षद्वीप भी बता दिया, अंडमान निकोबार भी बता दिया, ठीक। अब आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, लेट डिस्कस है। Many ports ओके, मैनी पोर्ट्स आर फ्लॉन्ग आर फाउंड अलोंग द कोस्ट, जे ऑलरेडी आप लोग से मैंने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। जब हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स डिस्कस कर रहे थे, एंड व्हेन वी आर डिस्कसिंग द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, सो दे बहुत से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं इस रास्ते में, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो भी आप लोग कह सकते हो व्यापार जो भी हो रहा है, फॉरिजिन ट्रेड, मतलब इनलैंड एंड फॉरिजिन ट्रेड, यहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का पूरा काम क्या होता है, इन्हीं पोर्ट से होता है, ठीक है। दैट इज द रीजन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो इतना भी व्यापार होता है, शिप में सामान लोड्स होके एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जा सकते हैं, आ रही है बात समझ में? सो दैट इज द रीजन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग, वी ऑल्सो हैव मैनी इंपॉर्टेंट हार्बर्स, ठीक है। हार्बर्स अब आप समझते हो ना, वो प्लेस जो कि डीप इनफ हो, जहाँ पे स्टैंड किए जा सकते हैं क्या शिप, ठीक है, और वहाँ पे शिप्स को लोड अनलोड किया जा सकता है, और उसी के अगल बगल का जो एरिया शहर जैसा बच जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्ट्स बोलते हैं, वी से इट्स एज अ पोर्ट्स, ओके। फिर नेक्स्ट है, मैनी ऑफ द सी साइड टाउन्स आर पॉपुलर हॉलीडेज एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, मैनी पीपल्स एट द टाइम ऑफ ए हॉलीडे दे गो टू दिस एरिया, दे विजिट इन दिस एरिया एज ए टूरिस्ट, क्योंकि बहुत अट्रैक्शन है। एक बेटा हम लोगों ने रिवर तो देखी है, लेकिन समुद्र बहुत बड़े होते हैं, उसमें आप जाओगे लहरें देखने के लिए मिलेंगी। सेंट तो एवरी ईयर पीपल फ्रॉम ऑल एरिया ऑफ द इंडिया, इवन फ्रॉम द अदर्स कंट्रीज, फ्रॉम फॉरन कंट्रीज ऑल्सो विजिट इन दिस एरिया एज ए टूरिस्ट। फिशिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, और इन द पीपल्स हु आर लिविंग इन दैट एरिया देयर मेन ऑक्यूपेशन इज फिशिंग ही है, ठीक है। उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, फिशिंग है। ए वैरायटी ऑफ क्रॉप सच एज राइस, कोकोनट एंड रबर आर ग्रोन हियर, ठीक है। जैसा कि आपको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो ऑलरेडी मैंने बताया था कि फोर रिवर, दैट इज महानदी, कावेरी, ठीक है, महानदी है, कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी थी ना, हाँ ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दीज रिवर्स आर व्हाट दे आर फॉर्मिंग द डेल्टास, सो इसलिए ये जो एरिया है बहुत ही फर्टाइल है, दे आर आल्सो नोन एज ए राइस बाउल ऑफ इंडिया, ठीक है। सो ये भी हो गया, वैरायटी ऑफ क्रॉप सच एज, यहाँ कोकोनट, कोकोनट सबसे ज्यादा फेमस है सीज एरिया में, जहाँ पे आपके समुद्र एरियाज है, ट्रीज ऑफ द कोकोनट एंड रबर आर ग्रोन हियर। आइलैंड्स आर ऑल्सो पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, और आइलैंड भी बहुत पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, बहुत लोग एट द टाइम ऑफ हॉलीडेज दे गो टू द आइलैंड्स, ओके। ये भी यहाँ भी बहुत टूरिस्ट अट्रैक्शन है आइलैंड्स पे भी। आफ्टर दैट लेट डिस्कस व्हाट टाइप ऑफ द क्लाइमेट इज हियर, द
coastal plains have moderate climate. Okay, as they are so close to the sea, the days are warm and humid, and night generally cool as the sea breeze blows towards the land at night. Okay, so अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ रात के समय जो चल रही है वो क्या है बेटा, डिफरेंस है, दैट इज द सी ब्रिज चल रही है टुवर्ड्स द लैंड. तो मॉर्निंग्स डेज कैसे बताया है, काफी वार्म है और ह्यूमिड है, बट नाइट्स जनरली कूल एज द सी ब्रिज ग्लोज, एज द सी ब्रिज ग्लोज टुवर्ड्स द लैंड. मतलब हवा कहाँ से चल रही है, सी से लैंड की ओर चल रही है. ठीक है, तो दैट इज मॉडरेट क्लाइमेट इज हियर. अब फिर आ जाते हैं इसके कीवर्ड्स पे, एक बार डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट आ गया वन बाय वन, कोस्ट है. कोस्ट ऑलरेडी तुम लोगों को डिस्कस बताया था मैंने, द सी, द प्लेस वेयर द सी वाटर टच द लैंड. ठीक है, वो प्लेस होती है जहां सी वाटर किसको टच करता है, लैंड को टच करता है. ओके, द प्लेस वेयर सी वाटर टच द लैंड दैट इज नोन एज, दैट इज नोन एज कोस्ट. उसी को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, कोस्ट बोलते हैं. नेक्स्ट है हार्बर्स. सो व्हाट इज द हार्बर, ए प्लेस अलोंग द कोस्टल लाइन. ठीक है, जो कोस्ट लाइन है विच इज डीप इनफ फॉर द शिप टू डॉक नियर द लैंड. ठीक है, ये क्या है, दिस इज व्हाट, ए प्लेस अलोंग द कोस्टल लाइन. कोस्टल लाइन के किनारे के संग होती है, लेकिन वो इतनी डीप इनफ बहुत होती है जिससे कि शिप कैन बी प्लेस्ड डक नियर द लैंड, कि लैंड के बगल में शिप को क्या किया जा सके, खड़ा किया जा सके. ठीक है, वहीं पे शिप लोड भी होता है, अनलोड भी होता है, पैसेंजर्स भी जाते हैं. ठीक है, और पोर्ट क्या है, ए सिटी विच ग्रोज अराउंड द हार्बर. ठीक है, मैंने आप लोग को बताया जहाँ पे जहाज रुकते हैं तो वही उसके अगल बगल का एरिया जो एक सिटी एरिया बन जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्ट्स बोलते हैं. व्हाट वी से इट एज ए पोर्ट्स. फिर नेक्स्ट है लेगून्स. व्हाट आर लेगून्स, अच्छा अभी इसके बाद हार्बर पढ़ाया था. हार्बर क्लियर हो गया सबको, हार्बर आफ्टर हार्बर आई टेल यू अबाउट पोर्ट, व्हाट आर द पोर्ट, एंड नेक्स्ट इज अ लेगून. ओके, व्हाट इज लेगून. ओके, सो लेक्स ऑफ सैल्ट वाटर हैं. ठीक है, ये खारी पानी की झीलें हैं जो सी से क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं. इनका वाटर क्या होता है, सी के वाटर से क्या अलग हो जाता है. ठीक है, तो दैट इज नोन एज लेगून्स, दैट इज नोन एज लेगून्स. फिर आफ्टर दैट क्या है, लाइट हाउसेस है. लाइट हाउसेस तुम लोग को मैंने कौन-कौन कोस्ट में बताया था, इसमें बहुत ज्यादा रॉक्स हैं. ठीक है, जब मैं तुम लोग को वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की डिस्कस कर रहे थे, आफ्टर गुजरात कोस्ट इट इज ए कोंकण कोस्ट, एंड आफ्टर दैट इट इज द मालवार कोस्ट. तो वहां पे मैंने बताया था इट इज वेरी रॉकी, बहुत सी चट्टाने हैं, और कुछ चट्टाने क्या है, पानी के नीचे डूबी हुई हैं, तो वो विजिबल नहीं होती है, दिखती नहीं है दूर से. ठीक है, सो ऐसे एरिया में बड़े बड़े लाइट हाउसेज होते हैं, सो दैट दीज द लाइट ऑफ दिस लाइट हाउसेज वार्न द शिप दैट दिस रूट इज नॉट सेफ फॉर द शिप. ओके, सो दैट आज दैट इज नोन एज ए लाइट हाउसेज. आफ्टर दैट इन द लास्ट the keyword is given an island, a piece of a land. What is the island, a piece of a land or part of a land. ठीक है, a piece of a land which is surrounded by water from all side. ठीक है, पूरे side से मान लो piece है, जमीन का कोई टुकड़ा है और उसके चारों तरफ क्या है, फिर water ही है. ऐसा नहीं कि एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े से टच में है, कुछ नहीं, चारों तरफ क्या है उसके, water ही. That is known as island. Okay, अब उसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट चीज चैप्टर की, जिसे हम बोलते हैं थिंग्स टू रिमेम्बर. इफ दिस पॉइंट्स आर क्लियर, इट मींस देयर ऑल डाउट्स आर क्लियर. सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, द कोस्टल प्लेन्स आर टू नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन दैट लाई टू द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू. अब ये सबको क्लियर हो गया होगा, डेक्कन प्लेटू जो है ये दो स्ट्रिप्स हैं. ठीक है, कोस्टल प्लेन्स एक किधर है, वन इज टूवर्ड्स वेस्ट एंड वन इज टूवर्ड ईस्ट. तो वेस्ट वाले को वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं और ईस्ट वाले को ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं. इज इट क्लियर. नाउ नेक्स्ट, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू गुजरात, कोंकण
कौन कौन कोस्ट है एंड मालाबार, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? थ्री में डिवाइडेड है, दैट इज द गुजरात, दैट इज द गुजरात, कोंकण एंड मालाबार कोस्ट। और ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज नॉर्दर्न सरकार्स एंड कोरामंडल कोस्ट। कोरामंडल कोस्ट दो पार्ट में डिवाइड, ये आता है एग्जाम में इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, ये क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में बेटा, इसे जरूर पढ़ लेना कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, राइट देयर नेम, एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, राइट देयर नेम। फिर है नेक्स्ट है, देयर आर टू मेन ग्रुप्स ऑफ आइलैंड इन इंडिया, ओके, द अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड। ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आइलैंड देन इट इज डिवाइडेड इन टू मेन ग्रुप्स है, टू मेन ग्रुप्स में वन ग्रुप इज इन अरेबियन सी एंड वन ग्रुप इज इन बे ऑफ बंगाल। सो द ग्रुप विच इज सिचुएटेड इन अरेबियन सी, दैट इज योर लक्षद्वीप, ओके, एंड द ग्रुप विच इज सिचुएटेड इन बे ऑफ बंगाल, दैट इज योर अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उससे रिलेटेड चीज़ें मैंने आपको बताई थी, नंबर ऑफ आइलैंड्स इन अंडमान निकोबार में कितने आइलैंड्स हैं, दैट इज 300 आइलैंड्स हैं, आउट ऑफ 300 ओनली 38 आर इन्विटेड इन विच द पीपल आर लिविंग इन विच द, और वो भी क्या है, ट्राइबल्स हैं, ठीक है, आदिवासी, मोस्टली बाई ट्राइबल ग्रुप्स, आदिवासी लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। और वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लक्षद्वीप, इट हैज़ हाउ मैनी आइलैंड, 36 इन नंबर, एंड आउट ऑफ 36 ओनली आइलैंड्स आर इनहिबिटेड, ठीक है, जिसमें से 11 है जिसमें होम पॉपुलेशन है, ठीक है। फिर आफ्टर दैट, बोथ द कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, ये तो आप लोग को क्लियर ही हो गया कि बोथ द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। देखो ये बहुत ही टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, कोस्टल प्लेन्स जितने भी वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जितना भी ट्रेड हो रहा है फ्रॉम इन द कंट्री और यू आर टॉकिंग विद द अदर कंट्रीज, दैट इज ऑल पॉसिबल ड्यू टू दिस शिप्स। और ये कहाँ हो रहा है, आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे है और ईस्टर्न, क्योंकि यहीं के प्लेन्स हैं जो वाटर सी वाटर के किसके में है, टच में है, ठीक है। और ये कितना एरिया मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग में आई टोल्ड यू इट इज 7000 किलोमीटर, इट इज 7000 किलोमीटर, इट स्टार्ट फ्रॉम द गुजरात एंड अप टू वेस्ट बंगाल, एंड विच इज द वाइडर, सबसे वाइडर जो कोस्ट है दैट इज योर गुजरात, द वाइडर कोस्ट इज योर गुजरात कोस्ट, इज इट क्लियर। सो नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड वन मोर थिंग, सो एंड वट आर द फेमस पोर्ट्स इन कोस्टल प्लेन, दैट इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के फेमस के बात कर लें तो वहाँ क्या है, मुंबई इन महाराष्ट्र, वास्को इन गोवा, एंड देन कोची इन केरला, ठीक है, कोची इन केरला, ये सब डिस्कस कर लिया और थिंग्स आपको बता दी, ठीक है। और वेयर द कोस्टल लाइंस कहाँ पे मीट कर रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऐसे एग्जाम पर्पस से, वेयर आर द कोस्टल वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन मीट, दैट प्लेस इज नोन एज कन्याकुमारी। एंड वन मोर क्वेश्चन कैन बी आस फ्रॉम द सेम, दैट दीज थ्री वाटर बॉडी, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द अरेबियन सी, आई एम टॉकिंग अबाउट द बे ऑफ बंगाल, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन ओशन, वेयर आर दीज वाटर बॉडीज आर मीट पॉइंट, इनका मीट पॉइंट भी क्या है आपका, कन्याकुमारी है, इनका मीट पॉइंट भी बेटा आपका क्या है, दैट इज ऑल्सो ए कन्याकुमारी। तो ये भी डिस्कस कर लिया, और कुछ ऐसी चीज जो बच गई हो, आइलैंड्स बताई दिए, लक्षद्वीप बताई दिया आप लोग को, कीवर्ड डिस्कस हो गए, थिंग्स टू रिमेम्बर डिस्कस हो गया, बस स्टार्टिंग का एक बार फिर से देख लो, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो थे क्या थे, एक छोटा सा इनका सुन लो लास्ट में, क्योंकि अब आज एक्सप्लेनेशन पूरा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो से आपकी क्या चलेंगे, बुक एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स, ओके। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और जब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को जब आपस में कंपेयर करते हैं तो क्या है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या है, नैरो हैं, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या है, थोड़े वाइडर है, क्योंकि वहाँ पे रिवर्स क्या डेल्टास फॉर्म कर रही हैं, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में डेल्टा फॉर्म नहीं करती है रिवर, ठीक है। अनदर डिफरेंस इज दैट जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसमें सबसे वाइडर चौड़ा पार्ट कौन है, वो दैट इज ये गुजरात कोस्ट है, वो सबसे ज़्यादा चौड़ा पार्ट है, गल्फ ऑफ कच्छ से लेके गल्फ ऑफ खंबत जो बताया था, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा वाइडर है वहाँ पे।
ठीक है, और इसकी थ्री ये बताया था आपको, और इसके थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, और ईस्टर्न की अगर आप बात करोगे तो डेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स डेट वी हैव डिस्कस। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट इसके जो मालाबार कोस्ट पे, वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा क्या है, मालाबार कोस्ट में जो है साल्ट वाटर लेक्स है, जिसको आपने लैगून पढ़ा था, ठीक है, खारे पानी की झीलें, दैट इज साल्ट वाटर लेक्स हैं, दैट इज नोन एज लैगून, एंड दे आर सेपरेटेड बाय द सी वाटर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।